पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई बैठक, रोजगार गारंटी के 100 दिन पूरे होने के बाद अब मिलेगा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत पंचायत समिति के सभागार में प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी, समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन पूरे होने के बाद सरकार की योजना अनुसार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होगा, जिसको लेकर सभी सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को इस योजना को सफल क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान ने भी सभी सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को इस योजना से वंचित लोगों को योजना पहुंचाने का अनुरोध किया। वहीं सरपंच संघ अध्यक्ष कैलाश रोत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला परिषद सदस्य राजेंद्र परमार ने बताया कि 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने के बाद अब मेटो को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, जिसको लेकर सरकार को योजना बनाने की जरूरत थी। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनिए। आज हमारे पंचायत समिति सभा भवन में हमारे वीडियो साहब और सरपंच साहब, JTA, विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक और LDCOs की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें हमारे रोजगार गारंटी, महात्मा रोजगार गारंटी में जिन लोगों के 100 दिन पूरे हो जाते हैं उसको मुख्यमंत्री द्वारा अतिरिक्त 25 दिन का जो रोजगार दिया जा रहा है उसके बारे में हमारी आज पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। मैं सभी मेरे पंचायत समिति के सरपंच साहब और सचिव साहब और सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी पंचायत समिति सागवाड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 100 दिन पूरे कराएं और ये जो मुख्यमंत्री द्वारा जी 25 दिन के जो अतिरिक्त रोज़गार दिया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पंचायत समिति के लोगों को फ़ायदा दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज सागवाड़ा पंचायत समिति के अंदर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यशाला में उपस्थित हमारे सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान महोदय सरपोटा साहब, विकास अधिकारी जी, सहायक विकास अधिकारी जी, जिला परिषद सदस्य, तमाम 53 ग्राम पंचायतों के सरपंच और रोजगार सहायक, LDC और JTO सब उपस्थित रहे। और इसमें माननीय हमारे राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा मनरेगा में जिन जिन परिवार के 100 दिन हो गए हैं इसके बावजूद रोजगार के लिए जो लोग इधर से उधर भटक रहे थे, इनके लिए बजट घोषणा में घोषणा करी थी कि 25 दिन मनरेगा के अलावा 25 दिनों का रोजगार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उसका जो भी खर्चा आएगा, जो भी बजट बनेगा वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। तो माननीय गहलोत साहब का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो घोषणा की गई थी वो घोषणा आज राजस्थान के प्रत्येक जिले में और प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसका फायदा मिलेगा और जिन जिन लोगों के 100 डेज पूरे हो गए हैं इनको 25 दिन का अतिरिक्त काम मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा। इसके माध्यम से इनको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इनका जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग थे और इधर उधर कहीं जा नहीं सकते उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। और मनरेगा में छोटे मोटे हमारे ग्राम अंचल में काम जैसे नहीं हो पाते थे, सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई हो या कहीं से कैनालों का पानी आता, उसमें पानी के लिए साफ सफाई के लिए हमारे मनरेगा से लेबर इशू नहीं होती थी, इस प्रकार के कामों को इसमें किया जाएगा। बहुत ही शानदार और बढ़िया योजना है ये। और फिर एक बार माननीय CM साहब का आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी जो 25 दिन राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त दिया जा रहा है गरीब लोगों के लिए, हमारे TSP क्षेत्र में 25 दिन बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि थोड़े दिन और ज़्यादा बढ़ाते, 25 दिन बढ़ाते तो हमारे गरीब लोगों को लाभ मिलता
और जो साथ में एक समस्या हमारे सामने आई कि ग्राम पंचायत के सामने आज प्रशिक्षण में हमने सुना कि मैटो को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, क्योंकि मैट को अगर उनका भुगतान पेमेंट नहीं मिलेगा तो लेबर का मुखिया तो मैट होता है, तो मैटो को भी अगर इसमें शामिल किया होता तो उनका भुगतान होता और लेबर साइट पे जाती और सबका सहयोग रहता, क्योंकि हमारे सामने समस्या आने वाली ही है कि लेबर को हम 25 दिन अतिरिक्त देंगे लेकिन उनके लिए मैट की भी आवश्यकता रहेगी। मैट को कन्वर्जेंस में अलग से पेमेंट दिलाने के लिए कहा रहा था पहले से ही पंचायतों के पास में, हमारे समस्या आ रही है सागवाड़ा पंचायत समिति में, और हम चाहते हैं गरीब लोगों के लिए जो योजना है उनको हम क्रियान्वित सभी मिलके अवश्य ही करें। जय हिंद जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।